जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों अभी जो मैं हम चल रहे हैं ये जलालपुर छपरा रोड का रोड है, इसी के बीच में जो है ना कैंप बना हुआ है जो कि 6th बटालियन ITBP छपरा है। तो देखिए दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे हम ITBP छपरा कैंप के सामने ही खड़ा है। तो अगर अभी इसमें जैसे क्या है ना कि बिहार के बच्चों का फिजिकल जो है ना, जैसे ITBP टेलीकम्युनिकेशन का हो गया, ट्रेड्समैन का हो गया, या कोई भी फिजिकल है ये इसी में होता है, जो भी रनिंग प्रक्रिया हो गई या और भी चीज़ हो गई। देखिए यहाँ पे 6th बटालियन आपको दिख रहा है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम टेम्पू पकड़ के आते हैं या बस पकड़ के आते हैं, टेम्पू का किराया 40 रुपये है। तो यहाँ पे इसी मतलब कैंप के सामने यानी कि बटालियन के सामने हमको ये टेम्पू वाला उतार दे रहा है। अब ये सामने में जैसे क्या है ना, देखिए ये जो घर दिख रहा है तो काफ़ी दूर में मतलब बहुत बढ़िया जो इसका स्ट्रक्चर है ना ITBP टेलीकम्युनिकेशन का, जहाँ पे फिजिकल हो रहा है या ट्रेड्समैन का फिजिकल होने वाला है या हेड कॉन्स्टेबल का फिजिकल होने वाला है, इसके कैंप का जो स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी बेहतर स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पे मतलब जैसे कोई भी बटालियन होता है ना उसके अगल बगल में घर नहीं होता है, लेकिन जैसे अगर किसी का ज़मीन है तो अपना घर बना सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अभी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके ठीक सामने अपोजिट साइड में भी जंगल की तरह दिख रहा है, मतलब एक भी आपको मकान नहीं दिख रहा है। तो सवाल आता है कि जैसे बहाली में जाने के लिए आपको एक दिन पहले आना होता है, एग्ज़ाम तो आप एग्ज़ाम के दिन दे देंगे। देखिए यहीं से जो एंट्री है, आप देख काफ़ी सारे वीडियो में देखे होंगे कि यहीं से एंट्री हो रहा है, जो कि 5 बजे 6 बजे सुबह से एंट्री हो रहा है डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड अप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिजिकल देने के लिए। अब जो सवाल आता है ना कि जैसे देखिए इसके जस्ट अपोजिट साइड जो आपने देखा, ना ही कोई घर है ना कुछ है, तो रहने का व्यवस्था क्या है? क्या हमको छपरा स्टेशन पे ही रुक जाना चाहिए या हम यहाँ पे आएँ या नहीं आएँ? इसे काफ़ी सारे मन में सवाल आ रहे हैं जो भी लोग यहाँ पे फिजिकल देने आ रहे हैं या आएंगे, तो उनके मन में ये भी सवाल आ। देखिए सामने देखिए एक भी घर से आपको दर्शन नहीं होगा, और जब घर नहीं है तो काफ़ी लोगों को परेशानी होगा, भाई हम जंगल में थोड़ी ना रुकेंगे, कैंप के सामने कैंप में रुकने देगा नहीं, क्योंकि हम तो सर्विस वाले हैं नहीं, हम तो एक मतलब प्राइवेट आम आदमी हैं, तो हमको तो वो कैंप में रुकने देगा नहीं, और कैंप के सामने घर है नहीं। तो आप देखिए केवल और केवल कैंप का ही घर दिख रहा है जिसमें हम लोगों को रुकने का अलाउ ही नहीं है। तो जैसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारा मकसद है कि हम पता लगाते हैं कि हम बच्चे जो आएंगे वो कहाँ कहाँ पे रुक सकते हैं। तो चलिए हम इस ITBP कैंप के ठीक सामने जो रोड जाती है जो जलालपुर चौक की तरफ, उसमें जब थोड़ा आगे बढ़े तो एक वाइट कलर का घर दिखा। इसमें आपको नीचा में मतलब यानी कि फर्श पे सोना है 100 रुपये दे के, रात के लिए लाइटिंग और मतलब कल की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे एक बढ़िया मंदिर दिखा जो कि एक इंटर कॉलेज के कैंपस में ही बना हुआ है। तो इसमें भी शायद एक जो पुजारी जी थे वो भी बोल रहे थे कि 50 रुपये दो। तो सवाल आता है देखिए कि जो लोग 50 रुपये 100 रुपये देने नहीं दे सकते, उनको नहीं देने का मन है, वो क्या करें? तो हम पता लगाते हुए घूमते हुए टहलते हुए काफ़ी सारा टाइम भी मेरा बर्बाद हुआ वीडियो ही बनाने के चक्कर में, और रोड भी थोड़ा सही नहीं है, इलाका भी थोड़ा अजीब सा है, घर द्वार नहीं। तो हम बहुत सारे भाई लोग मिले, उनसे पता लगाते हुए फिर हम कैंप की तरफ आ गए। तो जब कैंप की तरफ आए तो जिधर से मतलब हम स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं ना, उधर ही एक मंदिर है। देखिए उधर ही एक मंदिर है, मंदिर का आपको गेट दिख रहा है। इसी मंदिर के अंदर में हम एंट्री करते हैं, और मंदिर के अंदर एंट्री करने के बाद देखिए छोटा सा ही मंदिर है लेकिन अच्छा मंदिर है, लाइट बिजली की सबकी व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए भाई लोग भी है, तो हम जब और अंदर बढ़े तो काफ़ी सारे भाई लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे, तो हम सोचे कि क्यों ना थोड़ा और अंदर चला जाए। जब अंदर थोड़ा और अंदर आए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फील्ड भी मुझे दिखा। जब फील्ड दिखा तो मुझे थोड़ा दिल में तसल्ली टाइप का मिला कि चलो कहीं तो फ्री ऑफ कॉर्स में हम रुक सकते हैं जहाँ पे बच्चे काफ़ी हो। अब देखिए ये मंदिर, अब देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे भी 10-15 बच्चे भी थे। अब धीरे धीरे हम अंदर आए, जब अंदर आए तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बच्चे सोए भी थे। तो अब जब सोए थे तो मेरा मतलब है ना मनोबल अंदर से एकदम से मजबूत हो गया। अब हम सोचे कि चलो यार जब इतने सारे बच्चे हैं तो हम क्यों नहीं रुक सकते हैं। तो हम पूरी मंदिर की जो परिक्रमा होता है यानी कि एक बार गोल घूम के देखा कि मंदिर का कैंपस कैसा है, तो काफ़ी अच्छा मंदिर दिखा। इसमें बच्चे शाम के टाइम में बच्चे रुके हुए थे, तो हम सब बच्चों को देखे, और देखने के बाद सबका वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ताकि जो भी भाई आए ना उनको मतलब सही इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो रात में बिना पैसे दिए कहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि डेली यहाँ पे लगभग 100
100 बच्चे जो है ना इस मंदिर के कैंपस में रुकते हैं। तो अब चलिए इस मंदिर के सीढ़ी से हम नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरने के बाद ना हम देखिए मंदिर के सीढ़ी से नीचे उतर चुके हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ की सुविधा है। तो सामने में देखिए अगर बगल में लेफ्ट साइड में एक कल है जिसको हम मतलब बिहार में कल बोलते हैं, यहाँ से पानी निकलता है। और सामने में देखिएगा तो नल जल का पाइप लगा हुआ है जिसमें ग्रीन कलर का नल का बटन है, खोलने वाला है। और सामने में बहुत सारा फील्ड है जिसमें आप 500-700 मीटर आगे जाके बाथरूम की भी सुविधा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पेड़ है, इस पेड़ पे चबूतरा बनाया हुआ है, यानी कि जो लोग मंदिर में नहीं उनको जगह मिल पाए वो चबूतरा पे भी रुक सकते हैं। यहाँ पे देखिए भाई लोग भी बात कर रहे हैं अपने घर पे। अब यहाँ पे बगल में यानी कि मंदिर के बाएं लेफ्ट साइड में तो कल हो गया, अब मंदिर के राइट साइड में ना यहाँ पे देखिएगा तो जैसे प्रतीक्षालय टाइप का नहीं होता है, हर मंदिर में बना होता है जहाँ पे मतलब कोई पुजेरू हो गया या कहीं से दूर से अतिथि आए हुए हैं तो वो रुक सकते हैं। इसी तरह का घर है जिसमें ताला लॉक है, वो ताला का चाबी तो हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन घर का जो हॉल होता है बात मतलब खुला बात जैसे दरवाजा होता है, असोरा होता है ना, उसी में आप बिछा के रुक सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी लंबी फील्ड है, आगे अगर हम 500 मीटर भी दूर जाके चाहें तो अपने शौचालय बाथरूम जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। कल भी है, सब कुछ भी है, नहाने की सुविधा भी उपलब्ध है, आप नहा भी सकते हैं अगर कपड़े लाए हुए हैं तो। मंदिर में है तो जैसे मंदिर खुला है तो इसमें तो हमेशा लोग आते जाते रहते हैं कि बाइक लगा हुआ है, कोई आए थे पूजा करने, क्या है ना कि आज महावीर जयंती था तो इसलिए लोग पूजा करने भी आए थे। तो लगभग आप कोई डरने की बात नहीं, हनुमान जी की मंदिर है। ये किधर है तो जिधर जैसे कैंप हो गया ना वो कैंप से थोड़ा पीछे यानी कि स्टेशन के तरफ में मंदिर है, इसी मंदिर में आप रुक सकते हैं। तो आइए रुकिए, रुकने में किसी भी प्रकार का आपको कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। सामने फील्ड है, कल की सुविधा उपलब्ध है, आप फील्ड में जाके बाथरूम भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया, अगर जैसे इस मंदिर का मतलब आपको रहने में कोई दिक्कत होता है तो फिर आगे जाके आप चौक पे 100 रुपये दे के किसी के घर में भी रुक सकते हैं, अन्यथा आप अगर 100 रुपये देना नहीं चाहते हैं तो इस मंदिर के कैंपस में आके आप अगर अपना चद्दर लाते हैं तो बिछा के सो सकते हैं। और अगर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लाना है ना, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपको याद रहे कि एडमिट कार्ड, अप्लीकेशन फॉर्म, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके ही आना है, अन्यथा 2 किलोमीटर दूर जाना होगा फोटोकॉपी कराने। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।